नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क, मेरे यानी नरेश कुमार के साथ। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो उकलाना के अंदर मौजूद है और यहां पर अग्रवाल सेवा सदन में हम मौजूद है। यहां की अगर मैं बात करूं, आज यहां पर नरेश सिलवाल के द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया गया है और यहाँ पर जेपी के छोटे भाई रणधीर सिंह धीरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। रणधीर सिंह जी, क्या कहेंगे, आज जो ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है इसको लेकर के सबसे पहले जो ज्वाइनिंग हुई है उसको क्या कहेंगे आप? ये जो ज्वाइनिंग हुई है, जो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फ्री हैंड हरियाणा में दे करके पावर जो दी है फ्री हैंड की, उसका यह असर है कि एकदम से सात सात और आठ आठ एक्स MLA पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आने वाले समय में मेरे हिसाब से लगभग हरियाणा प्रदेश के जो भी पूर्व MLA या मौजूद व्यक्ति हर जाति के 36 बरादरी से जो प्रोग्राम लेने के लिए आतुर हैं, हरियाणा प्रदेश में एक ऐसी हवा हो जाएगी कि जैसे 1987 में चौधरी देवीलाल की 90 सीटों में से 85 सीटें आई थी, मेरे हिसाब से अब की बार भी 90 सीटों में से 90 सीटें आने का ही हमारा अनुमान है। क्या माने जो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं उनके नेतृत्व में या फिर भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नेतृत्व में ये जो पूरे का पूरा संगठन का जो विस्तार है वो किया जाएगा? हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक पूरा कांग्रेस पार्टी का एक कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, जो पहले कहते थे अलग अलग है, अब ये सारे मिलकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी मिलकर के हरियाणा पूरे प्रदेश का संगठन भी बनाएंगे और लोगों से मिले भी गए। और ये 29 तारीख को जो कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष, ये हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा और उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं, सरकार के प्रति जो लोगों में रोष है उसकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे। आने वाले समय के अंदर राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है हरियाणा में, तो उसमें क्या माना जाए, जेपी का कहीं ना कहीं नाम आ सकता है? ये कांग्रेस नेतृत्व की बात है या हमारे से दूर की बात है? ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी या ऊपर का नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा। जब नरेश सिलवाल की टिकट यहाँ से काट दी गई थी, बाला देवी को टिकट दे दी गई थी, अब की अगर बात करें तो क्या बाला देवी को मना दिया जाएगा? ये पार्टी नेतृत्व का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हीरा जी, चर्चाएं भी है क्षेत्र के अंदर कि गुटबाजी का शिकार बहुत होती है कांग्रेस, अब नहीं है। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के प्रदेशाध्यक्ष बनने की बात थी सर, उनका नाम एकाएक हटा दिया गया और एक नया चेहरा, लोगों के लिए नया चेहरा है, तो सर कितना एकजुट कर पाएंगे कांग्रेस को जो नया चेहरा? कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा के सांसद भाई दीपेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी लगे हुए हैं। 100% कांग्रेस एकजुट हो चुकी है, इसका परिणाम आपने कल देखा होगा कि 8-8 XML जो कांग्रेस को एकदम से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, उकलाना हल्के की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग जो टिकट का जो शैलजा जी हैं उनका यहाँ पर दायित्व रहता है, तो ऐसे में नरेश सिलवाल जी भविष्य में ये मामला जो है मेरे दायरे से ऊपर का है, ये पार्टी नेतृत्व ने इसको देखना है, पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं ये स्टेट लेवल के या ऊपर के, ये मेरे से ऊपर का मामला है। तो ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह धीरा जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों को वो जवाब देते हुए तमाम संगठन को मजबूत करने की वो बात कही है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।